बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मुर्गाबी के सभी कबाब। ये बड़ी चार मुर्गाबी है गैटवेल, इसमें किलो दाल चने की दाल डालेंगे और दो चीज़ें डालती हैं शामी कबाब बनाएंगे। मैंने 1.5 लीटर पानी डाल दिया कुकर के अंदर। ये 3 पाव हमारा गोश्त है, ये डाल रही हूँ। आधा पैकेट शामी कबाब मसाला, एक चम्मच नमक, ये आधा चम्मच गरम मसाले का डाल रही हूँ। ये सब, ये अदरक और लहसुन है 1 चम्मच, ये आधा अदरक है, आधी चम्मच लहसुन के, ये डाल रही हूँ। 15 मिनट इसको बीट लगाऊंगी। इसका ढकना बंद करते हैं। ये वेट लगा दिया, 15 मिनट इसको रुकूंगा। बिल्ला मार रखे, ये 15 मिनट हो गए। मैं इसका प्रेम बंद कर दिया, वेट लगा के देखो माशाल्लाह ये हो गया। अब इसके अंदर दाल डालेंगे, ये आधा किलो दाल है, ये दाल टमाटर, दाल को भेज देंगे 5 मिनट के बाद भी देंगे। ये 5 मिनट हो गए, ये मैं नीचे उतार दिया। अच्छी दाल गल गई है, गोश्त भी हमारा हो गया। इसका पानी थोड़ा सा, इसका पानी खुशक करेंगे, इसको पीस लेंगे, पीस के फिर इसके अंदर अंडे वगैरह जो डालना है। ये देखिए पानी खुशक हो गया, अब इसको उतारने लगी हूँ, पीस लेंगे। ये देखिए इसको ना ऐसे पीस लेना है दौरी के अंदर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये शिमला मिर्च, एक सब्ज मिर्च, ये इसके अंदर ऐड करूंगी। ये एक प्याज है, उसको बारीक कर लिया था, ये डाल। ये 3 अंडे, ये डाल। ये सब्ज धनिया है, ये 3 चम्मच गार्लिक फ्लोर है, ये डाल रही हूँ। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लो हाथ की मदद से। ऐसे बना रहे थे, तभी पुराल डाल रही हूँ। चेक करने के लिए मैंने डाला, गर्म हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप भी बनाना है, ये बहुत जायकेदार बनते हैं मुर्गाबी के शामी कबाब, बहुत प्यारा इसका टेस्ट होता है। माशाल्लाह ब्राउन हो रहे हैं, इसी तरह ब्राउन।
माशाल्लाह सारे ब्राउन हो गए हैं। मैंने पा लिया। ये देखिए माशाल्लाह सारे तैयार हो गए हैं। जो आप हमारी रेसिपी पसंद आए आपने शेयर भी करना, लाइक भी करना, बेल आइकन भी दबाना, हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। ये साथ मैंने पुदीने वाली चटनी बनाई है, इसमें लहसुन डाला है, अदरक डाला है, पुदीना है, सब्ज धनिया है, सब्ज मिर्च है, नींबू है। ये बहुत मज़े की बनती है, ये गर्मियों के लिए तो फिर बहुत ज़्यादा मुफीद है ना। ये मैदे के लिए और भूख के लिए बहुत अच्छी चीज़ बनती है। इसके साथ ये भी लगा के खा सकते हैं, साथ रोटी के भी खा सकते हैं, तो बहुत टेस्टी बनती है। आप भी बनाना इसको, देखिए कितनी खूबसूरत चटनी बनी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये शामी भी बनाना है।